कल आर्यन का बर्थडे था और ये बर्थडे पिछले सारे बर्थडे के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग था। पिछले साल के जो भी बर्थडे सेलिब्रेशन थे वो पार्टीज थे इन अ वे। हम एक बड़े ग्रुप के साथ कहाँ पर जाते थे, पार्टी करते थे, अगले दिन वापस आते थे। पर इस साल के बर्थडे में एक तो ये बर्थडे इट वॉज ड्यूरिंग द वीक, दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे हमारे जो भी दोस्त हैं उनके कॉलेजेस अच्छे से स्टार्ट हो गए हैं, कुछ लोगों के जॉब्स हैं, इसीलिए नॉट एवरीबडी कुड मेक इट। कल का जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक था बिकॉज मुझे बचपन की बहुत याद आई। इट वॉज वेरी चिल, हम PS4 लेके गए थे, हमारा एक दोस्त है जिसका नाम रायहान है, उसके पास एक PS4 है तो वो लेके आया था। फिर हमने वो PS4 उस TV के साथ कनेक्ट किया, वी वो प्लेइंग दैट। फिर टॉप फ्लोर पे एक टेबल टेनिस का टेबल था, हमने वो भी खेला। हम बेसिकली वो सुपर सेट कर रहे थे, टेबल टेनिस, PS4, बैक एंड फोर्थ। फिर वहाँ पर एक भैया थे जो एक करीबी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते थे, तो व्हेन वी गॉट रियली हंग्री हमने बटर चिकन और नान, 7 नान ऐसे ऑर्डर किए एंड वी जस्ट हैड अ गुड टाइम। हैप्पी बर्थडे आर्यन, कितने साल का हो गया? 22। कैसे लग रहा है? नॉर्मल ब्रो, ऐसा सेम ऐसा लग नहीं है, इट फील लाइक आई एम अ डिफरेंट पर्सन। ओ आज का प्री वर्कआउट मील 3 पूरे अंडे 3 टोस्ट के साथ परफेक्टली हाफ फ्राइड और एक कॉफ़ी। तो ये मेरे आज का दूसरा कॉफ़ी है बिकॉज पहला कॉफ़ी मैंने गिरा दिया, वो लिटरली अंदर भरा हुआ था एंड वो थोड़ा सा जब गिरा तो मैं पैनिक हुआ और वो पैनिक में वो बाकी सब गिर गया एंड लिटरली बर्न मी लाइक, जैसे ही कॉफ़ी हाथ में आया उसके 1 मिनट के अंदर ही फेल एंड स्टिल हर्ट्स इफ आई प्रेस इट। आई थिंक 2-3 दिन के लिए जलेगा बट ठीक है, इट्स ओके। ब्रेकफास्ट के लिए वी आर हैविंग 3 eggs each एंड पिछले एक हफ्ते से मैंने सनी साइड अप खाना स्टार्ट कर लिया, दिस हाफ फ्राई एग्स, इट्स बिकॉज यूजली लाइक आई हैव बीन हैविंग एग्स फॉर सो लॉन्ग कि मैं बोर हो गया तो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप स्विचिंग अप द एग्स, वो सेम ऑमलेट खा के पक गया दिमाग। फ्राइड एग और टोस्ट, ये जो मील है इन पर्टिकुलर ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है बिकॉज इससे बहुत सारे 10th grade के मेमोरीज वापस आते हैं। मुझे याद है मैं 10th grade में आर्यन के घर पर कभी कभी ऐसे शाम को आता था और तब आर्यन का आइदर मैथ्स या हिंदी ट्यूशन, इन दोनों में से एक हुआ करता था। हिंदी मैथ्स नाइट वॉज मैथ्स ट्यूशन, हाँ तो इसका ये शाम को मैथ्स ट्यूशन के लिए जाता था। मैं कोने में उसके स्टडी टेबल में बैठता था, क्वेश्चन पेपर्स या कुछ सॉल्व करता था और आर्यन की दादी मेरे लिए सनी साइड अप ऐसे बना के लाती थी, पर तब एपेटाइट बहुत घटिया था इसीलिए एक में ही पेट भर जाता था। या 1 or 2 मैक्स, 2 वाज लाइक अ बिग डील। बट आई एनीवेज विल हैव हाफ ओनली, सो क्या चीज, फिर हाफ हाफ करते हैं। अरे हां तू कभी खत्म नहीं करता ना, लाइक दिस मच आई कैन हैव। या ठीक है, वाइब बढ़ेगा। सो मुझे सुबह उठने के जस्ट बाद आपको एक फिजिक अपडेट देनी थी बट मैं भूल गया, तो ये है फिजिक ब्रेकफास्ट खाने के बाद। थोड़ा सा पेट में खाना है बट दिस इज हाउ वी आर लुकिंग। बॉडी फैट परसेंटेज आई नेवर केयर्ड दैट मच बट अगर मुझे आईबॉल करना होता तो मैं मेरी 12% या कुछ एस्टिमेट कर दा, बट दिस इज हाउ वी आर लुकिंग। मॉर्निंग कोई बंप नहीं, फिल्मिंग। ओके गाइस, सबसे पहले तो एक जेंटल रिमाइंडर, मसल ब्लेज की जो 10-year सेल है वो 27th August तक चल रही है, तो आपको मसल ब्लेज की वेबसाइट पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। अगर आपको अपने सप्लीमेंट्स की जो स्टैक है वो रीस्टॉक करनी है तो दिस इज अ गुड टाइम। अगर आप चेकआउट पे मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे विच इज साकेत30 तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डेट याद रखना, इट्स स्टिल 27th August। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसके लिए मैं ये पैक करके लेके जाने वाला हूँ। ये है मसल ब्लेज का BCAA Pro ग्रेप फ्लेवर, वेरी टेस्टी, हाईली रिकमेंड। अगर आपके पास खर्च करने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप पानी को टेस्टी बनाने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज व्हाट आई डू। अच्छी चीज़ है कि इसमें ना के बराबर कैलोरीज होते हैं और ये मुझे अपना डेली वाटर इनटेक कंप्लीट करने में मदद करता है। प्लस थोड़े से एडेड बेनिफिट्स, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी है तो ट्रेन करते वक्त जो भी पसीना बॉडी से निकलता है उसको रिप्लेनिश करने में ये मदद करता है एंड विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
आर्यन को इतने सारे सालों के लिए ये शेक बनाते हुए देखने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करते हैं। तो उसको 40 ग्राम ऑफ ओट्स और पानी, क्विक कैलोरीज। मेरा कहाँ पर है ब्रो? सेकंड सर। जी ब्रो, व्हाई डिड यू लीव इट लाइंग देयर फॉर सो लॉन्ग? नाउ सेडिमेंटेशन होगा। ओह, व्हाट इज द अदर वर्ड? स्कूल में कभी ये सब ध्यान नहीं दिया तूने? ध्यान देना जरूरी था ना, पर नहीं दिया। सेडिमेंटेशन व्हाट इज द अदर वर्ड? अदर वर्ड मतलब नो, सेडिमेंटेशन वुड गेट इट डाउन एंड वन वुड बी लाइक टू रिमूव द लिक्विड। डिस्टिलेशन? नो, सेडिमेंटेशन एंड समथिंग ब्रो, इट यूज्ड टू गो टुगेदर। रियली? तुम लोग कमेंट्स में बता दो। हां या सम स्टूडेंट्स विल बी देयर, उनको पता होगा। व्हाट इज इट? सेडिमेंटेशन। भाई गूगल कर रहा है सेडिमेंटेशन एंड यो वाईफाई इज नॉट वर्किंग यार, डेटा स्विच कर। सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन ब्रो, इट वाज दैट वर्ड। हां, डिकैंटेशन। व्हाट रियली, व्हाट इज दैट? आई डोंट रिमेंबर दैट। वंस इट सेडिमेंट्स देन यू रिमूव द लिक्विड एंड सेपरेट द थिंग्स। बाप रे, fuck bro, how do you remember this yaar? I don't know, out of everybody I'll expect you the least to remember same. This same. Thank you, my days. ओके गाइज, आज है पुल डे, मतलब हम बैक, रेड एल्ट्स और बाइसेप्स को ट्रेन करने वाले हैं। ये मेरा फेवरेट दिन है। पहले पुश के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होता था, बट आजकल पुल डेज पे जो माइंड मसल कनेक्शन और जो प्रोग्रेस मुझे देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू ट्रेन टुडे। और ये एक और फ़ायदा है कि आपको अपने वर्कआउट्स लाइक ट्रैक करना चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपने लास्ट टाइम क्या किया। सो आज का मेरा जो गोल है वो है लैट पुल डाउन पे 82 प्लस। सो इवॉल्व के जो भी हैमर स्ट्रेंथ मशीन्स है उसमें जो नॉर्मल वेट की स्टैक रहती है उसके अलावा एक ऐसे ब्रिक टाइप स्ट्रक्चर होता है जो आप उस वेट स्टैक के ऊपर रख सकते हो, और वो जो ब्रिक होती है दैट वेज 3 kgs। तो माइक्रो प्रोग्रेशंस करने के लिए इससे मुमकिन होता है। सो 82 प्लस वो ब्रिक यानी 85 kgs के साथ आज मुझे एक 4x10 कंप्लीट करना है। ये होगा आज का गोल, और मैं ट्राई करूंगा कि इवन दो वेट बढ़ रहा है, आई स्टिल वांट टू मेक श्योर कि मेरी टेक्निक ऑन पॉइंट है। मुझे बॉटम पोजीशन पे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड आई स्लोली गेट द वेट बैक अप। उसके बाद हम जाएंगे मशीन रूम पे। अनफॉर्चुनेटली मैं स्ट्रैप्स लाना भूल गया। उस मशीन रूम पे वेट इंक्रीज करने की वजह से मेरे फोरआर्म्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है। नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेन, बट ग्रिप स्ट्रेंथ एक लिमिटिंग फैक्टर धीरे धीरे बन रहा है। सो नेक्स्ट टाइम मैं स्ट्रैप्स लाने के लिए याद रखूंगा, बट ओवरऑल गोना हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। Let's get it. What's the plan? 27. कितने reps के लिए? एक या दो? One. And top set? What are you thinking? 37. 37? I don't know. 5 reps, 6 reps. How is it feeling though? Good so far. Light लग रहा है? You know आपको पता नहीं होगा, but actually अगर आर्यन की relative strength देखी ना, तो it's crazy. इसका body weight 61 या 62 ऐसे कुछ है, और inclined dumbbell press 37.5. He's gonna push. Legend. Easy. Warm up set. क्या बंदा है तो, डाइट वाइट कुछ नहीं करता स्टिल। इजी, वाह, 37 जाएगा ना? वाओ, दैट्स अ बिग डंबल ब्रो।
एक लाइक छोड़ देना और दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। ये वीडियो बनाने में मुझे पर्सनली एज अ क्रिएटर बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड आई फील लाइक जो क्रिएटिव इंस्पिरेशन जो इतने सारे वीडियोस में से मिसिंग था वो मैंने सॉर्ट ऑफ इस ब्लॉग में फुलफिल किया। आपने जो भी वीडियो देखे सिनेमैटिक शॉट्स देखे उन सारे शॉट्स को शूट करने में मुझे बहुत मज़ा आया एंड दिस वीडियो इज इन 4K सो यू गाइस कैन गेट द बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एस्थेटिक्स ओवर एवरीथिंग।